हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्माइल टेस्ट पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कुछ लाइट और हेल्दी, खाने में स्वादिष्ट और बनाने में आसान। जिसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने 60 ग्राम धुली मूंग ली है और उसे अच्छे से वॉश करके एक घंटे के लिए हमने सॉक होने के लिए रख दिया है। और 60 ग्राम ही यहाँ पर हमने ओट्स लिए हैं और ओट्स के बराबर का पानी हमने इसे डाल के इसे भी एक घंटे के लिए सॉक होने के लिए रख दिया है। और अगर टाइम की कमी हो तो आप दाल को 20 से 30 मिनट के लिए थोड़े से गुनगुने पानी में भी सोख होने के लिए रख सकते हैं और ओट्स भी हाफ एन आवर में अच्छे सोख हो जाते हैं। चलिए दूसरी तरफ यहाँ पे हमने ली है एक गाजर, थोड़ा सा धनिया। गाजर को हमने अच्छे से वॉश करके उसका छिलका उतार दिया है, उसके दोनों तरफ से एजेस हमने कट कर दिए हैं और उसका जो ये मोटा पार्ट है इसे हम रिमूव कर देंगे। अगर ये रेड होता तो हम इसे रिमूव नहीं करते, बट क्योंकि थोड़ा येलो है तो इस चक्कर में हम इसे रिमूव कर रहे हैं और इसे थोड़ा सा रफली हमने चॉप कर लिया है। यहाँ पे सबसे पहले हमने दाल का पानी हटा दिया है और दाल को, गाजर और धनिए को भी हमने अच्छे से वॉश करके इसमें डाल दिया है और हमने इन्हें ग्राइंड कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे ओट्स डाल दिए हैं। यहाँ पे हमने पानी का यूज़ नहीं करा है क्योंकि ओट्स में पानी है। और अब इसका एक स्मूथ फाइन पेस्ट हम बना के तैयार कर लेंगे। और इस पेस्ट को हमने निकाल दिया एक मिक्सिंग बाउल में। यहाँ डाला है 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधी चम्मच हमने यहाँ डाला है नमक। दूसरी तरफ मैंने तवा भी रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका एक पोर्शन बैटर हम यहाँ तवे पे इस तरह से फैला देंगे और इतने ही सिक रहा है। यहाँ पे हम अपनी चटनी की तैयारी कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया है थोड़ा सा धनिया, करीब 1 मुट्ठी धनिया मैंने अच्छे से वॉश करके साफ़ करके ले लिया है यहाँ पे। और 2 हरी मिर्च, एक छोटा सा पीस हमने लिया है अदरक का और सबसे मेन इंग्रेडिएंट यहाँ पे हमने लिया है 1 चम्मच ताजी मलाई। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा हमारा इसका एक पेस्ट बनकर आ गया है। ज़्यादा नहीं चलाना है, बिल्कुल स्मूथ नहीं बनाया है हमने और हल्का सा दर दरा सा पीसते हुए हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। और यहाँ पर हम डाल रहे हैं 2 चम्मच मेयोनीज और साथ में हम यहाँ डाल रहे हैं 1/4 चम्मच गरम मसाला और आधी चम्मच हम यहाँ पर डालने वाले हैं नमक। और ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगेगी बनने के बाद। आप इस चटनी को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और ज़्यादा नहीं चलाना से हल्का सा हम इसे एक पेस्ट बना लेंगे और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। दूसरी तरफ ये भी ऊपर से ड्राई हो गया था तो हमने साइड से इसे हल्का सा ग्रीस कर दिया है और इसे हमने मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है और इसे एक बार हम पलट देंगे जस्ट 30 सेकेंड्स के लिए। ओट्स, मूँग दाल और गाजर का ये कॉम्बिनेशन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और इसी तरह से बस हमें झटपट हमारे सारे नाश्ता बना के तैयार कर लेना है। और धनिए और मिर्च का कॉम्बिनेशन मेयोनीज वाली चटनी में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, साथ में मलाई की क्रीमीनेस बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है और ये चटनी इस रेसिपी के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट भी करती है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और हमारे साथ शेयर करिएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे औरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।